राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम होगा भव्य व ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भूमि पूजन, दूरदर्शन के माध्यम से होगा लाइव प्रसारण। खबर अयोध्या से। राम मंदिर भूमि पूजन एक ऐतिहासिक पल होगा। सभी राम भक्त अपने अपने घरों व आसपास के मंदिरों में जाकर भगवान राम का दर्शन करें, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ साथ प्रसाद बांटे व ग्रहण करें। ये कहना है राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का। ट्रस्ट के महासचिव श्री रॉय ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिस वजह से देश के सभी राम भक्तों से निवेदन है कि वो राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल को अपने घर पर ही देखें, जिसके लिए ट्रस्ट ने दूरदर्शन के माध्यम से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह भी बताया कि अगस्त माह के पहले सप्ताह की 5 तारीख को वो ऐतिहासिक पल होगा, जिसका करोड़ों राम भक्तों को सदियों से इंतजार था। बताते चलें, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद से रामनगरी में उत्साह जैसा माहौल बना हुआ है। शनिवार को तैयारियों का जायजा लेने स्वयं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और साथ ही कुछ जरूरी हिदायत भी ट्रस्ट को देते हुए कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम भव्य व दिव्य हो और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का भी पालन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या धाम को मानो दुल्हन की तरह सजाया व संवार कर तैयार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या के रूप में सजाया जाएगा और हर दीवार पर चौक चौराहों पर रामायण काल के जुड़ी हुई आकृतियों को भी दर्शाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उन्हें रामनगरी की हर दरो दीवार से राम के आदर्शों व उनके जीवन की झलकियों का नजारा भी हो सके। कुल मिलाकर 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक अयोध्या में दीपोत्सव का नजारा जहां देखने को मिलेगा, वहीं सोशल डिस्टेंस के साथ राम भक्त अपने घरों में बैठकर एक ऐतिहासिक पल के गवाह भी बनेंगे। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के महान वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अगस्त के प्रथम सप्ताह में अयोध्या आ रहे हैं। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। उस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा। दुनिया में रहने वाला प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक भारतीय उस प्रसारण को सीधा सीधा देख सकेगा। इसलिए देश की जनता से निवेदन है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए, यातायात की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वो अयोध्या आने का विचार त्याग दें, अपने घर में ही उत्सव मनाएं। प्रातःकाल 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अपने घर में सामूहिक बैठकर पास पड़ोस के मंदिर में इकट्ठे होकर भगवान का भजन कीर्तन करें, पूजा करें, पुष्पांजलि दें, प्रसाद बांटें और सूर्यास्त के समय दीपक जलाएं। जिस दिन मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ प्रधानमंत्री करें, वो दिन हिंदुस्तान में उत्सव का दिन हो। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। हिंदुस्तान बदल रहा है। हिंदुस्तान अब विदेशी गुलामी के चिन्हों से मुक्ति पाना चाहता है। ये एक स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल इवेंट।